वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और हमारी मेहमान आ चुकी हैं जिनसे हम ऑफिस बल्कि ज्यादा खुल के डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम उनसे ज्यादा टिप्स भी ले लेते हैं। अच्छा जनाब, आज हम बात करने वाले, चूंकि सोशल हम बात करते हैं, हमारे माशरे में सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और वो इश्यूज़ इतने स्वेयर या मेजर हैं कि उन पर कंट्रोल किया जाना, उसके हवाले से लोगों को अवेयरनेस दिया जाना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ड्रग्स पर, क्या वजह है इसको इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे इवन यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ लाइफ कोच हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनर है, कंसल्टेंट है, डॉक्टर शवाना मुफ्ती। वेलकम टू द शो, कैसी हैं? थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर शवाना, हम ड्रग्स पे आज बात करने वाले हैं, डिस्कशन का आगाज आप कहाँ से करेंगे? सबसे पहले तो जो है हमारा मुल्क, बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरत मुल्क, वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है अंडर एज 30, 64% जो है वो यूथ है। बिल्कुल, यूथ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और मुझे लगता है कि हमारी जो यूथ है ना, वो अब हम वी आर द नेशन इन ट्रांजिशन। जब कोई चीज़ ट्रांजिशन में होती है, ना ईस्ट में होती है ना वेस्ट में होती है, ना आधा तीता अदर बटेर वाला चक्कर होता है, वो घूमे हुए हैं, देर काइंड ऑफ लॉस्ट। वेस्ट को फॉलो करें या ईस्ट, अपनी कल्चर, अपने वैल्यूज को, माँ बाप के साथ थोड़ा जनरेशनल गैप है, टीचर्स और मेंटर्स उनको बता नहीं सक रहे, उनके साथ उनका वो रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो रही। तो जब यूथ थोड़ी लॉस्ट होती है सो तो उनको चाहिए होता है कोई ना कोई एस्केपिज्म, जाके वो कहीं एस्केप करते हैं किसी और चक्कर में। तो काफ़ी वजूहात होती हैं ड्रग्स यूज़ करने की, लेकिन ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है ना, इसमें ये जब तक निकलेगा नहीं ना, हमें ये ना हो कि हमारी जो आने वाली यूथ है वो ड्रग्स में इतनी मुलव्वस हो जाए कि आने वाली जनरेशन इस प्रेजेंट जनरेशन से बेहतर ना हो, दैट विल बी अ शेम, क्योंकि हर आने वाली जनरेशन को पिछली जनरेशन से बेहतर होना चाहिए। अब अगर आप बात करें जी कॉजेज क्या हैं, तो कॉजेज में देखें ड्रग्स जो हैं, सबसे पहले तो पैसा, पैसे की जब फरवानी आ जाती है और जो इतनी एलीट फैमिलीज और अफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं उनके बच्चे जो होते हैं, और जब सर्वाइवल की नीड से बाहर आ जाते हैं, जब आपको खाने पीने, शेल्टर का इशू, बेसिक नीड्स जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, उसका कोई आपको दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो बाप ने सोचना है इस पैसे का क्या करें, कहीं तो उड़ाना है, कहीं तो उड़ाना है, और फिर जाके आप दुबई में कितनी वेकेशन कर लेंगे, अमेरिका और पेरिस में कितनी वेकेशन कर लेंगे। तो जो बच्चे होते हैं इस एज में, मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो 12 से लेके जो 26 साल तक की एज होती है, उसमें तो आपका ब्रेन भी इतना टोटली डेवलप नहीं होता, इतनी इमोशनल आपको इंटेलिजेंस नहीं होती, योर इंटेलिजेंस इज हाईजैक बाय योर हार्मोन्स, हार्मोन्स यहाँ पे पहुँचे होते हैं, इतनी अकल कोई नहीं है, बागी कौम है ये जो टीनेजर्स होते हैं। उसमें फिर जब आपके पास पैसे की फरवानी हो तो फिर आपकी बेसिक नीड्स मीट कर ली होती हैं, तो वो पैसा जो है आप जाके ड्रग्स में लगा देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप लैक ऑफ हेल्थी एक्टिविटीज़ नहीं है, अब जहाँ पे आपने स्पोर्ट्स करनी थी या कोई और अदर हेल्थी एक्टिविटीज़ करनी थी, उसमें आप स्विमिंग कर लो, ये घर का जो माहौल होता है वो भी बड़ा मैटर करता है। अगर आपके माँ बाप जो हैं वो अल्कोहल पीते हैं, तो आपके जीन्स के अंदर 40%, बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो अल्कोहल जो होती है, जो शराब होती है, वो आपकी जीन्स में आ जाती है। 40-50% आपकी जीन्स में आ जाती है कि अगर बाप पीता है तो आगे से बच्चों के अंदर ये जेनेटिकली, ये नहीं कि वो पियेंगे ज़रूर, लेकिन प्रोन होते हैं, प्रोन होते हैं, एट रिस्क होते हैं कि आपकी जीन्स में आ गया। और अब आगे से अगर माहौल ऐसा मिल गया, खासतौर पे जो ये वाली एज ग्रुप होता है, इसमें आपको मैंने बताया है कि इंटेलिजेंस जो होता है इट इज़ हाई जैक, आप अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहे होते, जो आपका पीछे वाला ये ब्रेन होता है, मैं हमेशा न्यूरोसाइंस की बात करती हूँ साइंटिफिकली, वहाँ पे ये प्रिमिटिव ब्रेन जो होता है इट रिस्पॉन्ड्स बेटर टू इमोशनल स्टिमुलस एंड सोशल स्टिमुलस। इसका ये मतलब हुआ कि जो बच्चे होते हैं ये जज्बाती होते हैं, ये किसी भी और इनकी सोचने समझने का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें ज़रा कमी होती है, वो डिवेलप हो रहा होता है। तो सोशल स्टिमुलस होता है पीयर प्रेशर, जब आपके दोस्त यार ऐसे होते हैं तो उस शुगल शुगल में आप कहते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर एडवेंचर सेक, दोस्त कहता है यार लगा के देख ले, कश लगा के देखे, तो फिर सिगरेट्स स्मोकिंग और टोबैको और ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो कभी कभी सिर्फ जस्ट टू फील नॉट दैट, टू गेट द फीलिंग यू आर नॉट लेफ्ट आउट, और आप किसी जो कंपनी में जाते हो उस कंपनी में चार लोग ये बैठ के कर रहे हैं, तो आप भी कूल लगने के चक्कर में आप उस वो चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, उसके आदि हो जाते हैं। अब वो आदि से याद आया कि अच्छा दूसरी एक और कॉज जो माँ बाप, आप देखो ये पहली वाली हमारी ये वो जनरेशन है, इससे पहले वाली जनरेशन में या तो बाप काम करता था, ही वॉज अ प्राइमरी अर्नर, और माँ यूजली जो है वो बच्चों की रेज करने में उसमें हेल्प करती थी।
इस वाली जनरेशन में जो हमारे जेन एक्स आए हैं, जो पिछली जनरेशन, इसमें मजॉरिटी औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। इकॉनमी का प्रेशर था, पैसे की दौड़ लगी हुई है। आजकल जब औरतों से पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। कितनी सैड बात है, हालांकि व्हाट डू यू डू, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग 24/7, अपने घर में बच्चे पालना, उनकी नई जनरेशन को अच्छी तरह रेस करना, इट्स हर जॉब। लेकिन आजकल जो है वो स्टैंडर्ड यही हो गया हुआ कि अगर व्हाट डू यू डू का मतलब आप कितने पैसे कमा रहे हो, और अगर पैसे नहीं कमा रहे तो आप निकम्मे हैं या होममेकर हैं, यूजलेस हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है, बंदों के साथ कम्पीट करना शुरू कर दिया है। घर में अगर माँ बाप जो हैं वो प्रॉपर अटेंशन बच्चों को नहीं दे रहे, तो फिर बच्चों ने कहीं ना कहीं तो अटेंशन जाके सीख करनी है। तो घर का माहौल बहुत मैटर करता है। उसके बाद फिर कभी कभी ये होता है कि माँ बाप ने जनरेशन गैप को नहीं समझा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। बच्चे अगर कुछ बताना चाहें भी, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। मैं ये UCP और बाकी इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर दे रही थी, तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग अपने माँ बाप से कैसे कम्युनिकेट करते हो। पता है उन्होंने क्या कहा उर्मिला? उन्होंने कहा कि हमने ये सीख लिया है कि कभी कभी कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी डिबेट्स होती हैं जहाँ पे उनको समझ ही नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं। हाँ। तो हम उसमें पढ़ते ही नहीं, हम उन्हें कह देते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और करना हमने वो है, और घर से बाहर जाके उन्होंने वो करना है जो उनका दिल कर रहा था। लेकिन हम लोग जो थे तो अपने माँ बाप के सामने अगर हमने या तो यस किया, मीनिंग यस, और डर होता था, या फिर अगर आपने बहस की तो यू मीन इट कि मामा मैंने बाबा ये नहीं करना, सो यू आर आर्ग्यूइंग। आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए, वो क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप से बहस भी नहीं करते। और माँ बाप समझ रहे हैं जी हमारा बड़ा फ्रैंक रिलेशनशिप है, हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हालांकि बच्चे कहते हैं यार किस डिबेट में पढ़ना। कभी कभी हेल्पफुल होता है कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं आप उनको इतना बड़ा नहीं बनाते, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा गलत काम हो रहा हो वहाँ पे माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चा एग्री कर रहा है डिसएग्री कर रहा है, बाहर जाके उन्होंने वो काम करना है जो करना है। तो ये जो घर का माहौल होता है बड़ा मैटर करता है। और कभी कभी घर में अगर अब्यूज हो, डिवोर्स पेरेंट्स हो, तो वो तो फिर वो सारा बच्चे ने कहीं ना कहीं एस्केप होना है। तो ये तो कॉजेज होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर शवान, कॉजेज में हम एक कॉज इसको जरा थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहेंगे, घर का माहौल और जो हमारे इर्द गिर्द प्रेशर्स होते हैं, एस्केपिज्म इज द थिंग जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं। इवन यंग एज में भी पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता कि उनकी अटेंशन ना देने से बच्चे के अंदर किस तरह की जो कह लें एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस परवान चढ़ रही है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज चेंज हो रही है, ये सारा कुछ अटेंशन पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन, इस पर अगर हम थोड़ा सा मजीद इसको करें। वही बात आ गई ना कि पहले तो जनरेशन गैप की जो मैंने कहा कि बच्चे आजकल इस तरह करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप, और वो इतना ज्यादा होता जा रहा है कि बच्चे समझते हैं कि अगर हम आके अपनी बात माँ बाप को बताएंगे भी तो या तो उनके पल्ले नहीं पड़नी या वो डिसएग्री करेंगे। और मैंने पिछले आपको याद है उसमें ये बताया था कि जब टीनेजर्स आपके पास आते हैं तो आपने उनको नो नहीं कहना। माँ बाप का जो हर हाल में पहला रोल क्या है, डॉक्टर का रोल है कि मरीज को देखे, इंजीनियर का रोल है इंजीनियरिंग करे, पायलट जहाज चलाता है। माँ बाप को रोल अपना समझ लेना चाहिए कि उनका फर्ज है कि उन्होंने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो कॉन्शियसली उन्होंने बच्चों को हर हाल में प्यार करना है। बच्चों का ये डर खत्म कर दें कि आपने उनको जज करना है या वो आपके पास आके डिस्कस नहीं कर सकते। हर हाल में चाहे वो जो मर्जी गलत काम कर रहे हैं, उनको ये सेंस देना सिक्योरिटी की, रीअश्योरेंस की कि यू आर देयर फॉर देम, आप अपना सपोर्ट अपना लव उनको सेल्फलेसली दे रहे हैं। फिर उनके मसले मसाइल उनके साथ बैठ के एवरी डे, नॉट के हफ्ते में एक दफा, 10 दिन में एक दफा और फिर भूल गए बच्चा क्या कर रहा है, फिर उनके मसले मसाइल हल करें, कम्युनिकेट करें ताकि बच्चा बगैर डर के आपको आके बता सके सही सूरत हालात, और फिर वो एक ब्रिज जो है वो खत्म हो, क्रिएट होगा और गैप जो है वो खत्म होगा। और फिर उसके बाद माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है कि जो बच्चों के दोस्त हैं उनके माँ बाप और उनकी फैमिलीज को जाने कि आपके सोशल सर्कल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मेरा उसके किसके साथ हैंग आउट कर रहा है और क्या कैसी फैमिली है, वो जो उसके माँ बाप हैं वो कैसे हैं। तो फिर आपको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा जब आप बच्चों की लाइफ में टोटली इन्वॉल्व रहेंगे, और ना सिर्फ ये स्कूल की लाइफ में उनके इन्वॉल्व रहें। माँ बाप जो हैं वो जब इन्वॉल्व नहीं होते बच्चे की लाइफ में तो कोई ना कोई काम तो खराब होना है। डॉक्टर शवाना, समटाइम्स हम जरूरत से ज्यादा आजादी भी दे देते हैं, हम अंधा ट्रस्ट भी कर लेते हैं बच्चे पे कि नहीं ऐसा नहीं करेगा कुछ नहीं, वो भी नुकसान है। और जब हम जरूरत से ज्यादा पैम्पर करते हैं तो आजकल की जनरेशन क्या होता है कि हमारे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट्स हमारे सर पे हर वक्त सवार रहते हैं। ये वाला मामला, मैंने पतंग वाली बात बताई थी कि ढील दो हल्की हल्की, जब लगे कि ज्यादा दूर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता पीछे खींचो, उसको तेजी के साथ तुनका मारोगे तो पतंग कट जाएगी।
पेरेंट जो हैं वो एक आर्ट है, बहुत मुश्किल काम है. जब बच्चे पैदा किए पहले सोच लेना चाहिए. हम सोचते नहीं है और हमारा जो है वो रिप्रोडक्शन का जो और रेडी फॉर जिस तरह हम लोगों के यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं, शादी कर लेते हैं, इश्क हो गया, शादी कर ली, देखा नहीं कि आगे क्या होना है. बच्चे पैदा करने से पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्री मैरिटल काउंसलिंग शादी से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं. मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन, कैंसर हो जाएगा तो जाके इलाज करेंगे, उससे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है. तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसीजर प्रोसेस है हमारी सोसाइटी का जो चलता रहेगा. लेकिन बात वही वह है कि माँ बाप को समझनी चाहिए अपनी ड्यूटी के करना क्या है, और बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम और बहुत जो है वो नहीं दे सकते. लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उनको परवरिश कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा आप चाहते क्या है कि वो सक्सेसफुल हों, बड़े होकर अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें. अगर बचपन से उनको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना नहीं सिखाएंगे, बड़े होकर फिर वो कैसे अच्छे डिसीजंस लेंगे? जब वो आपने बचपन से नहीं सिखाया, या तो वो आप पे टोटली डिपेंडेंट होंगे और या रिबेलियस हो जाएंगे. इट्स एन आर्ट. देखने वाली ये बात है कि ड्रग्स कॉमन कौन कौन सी हैं आजकल और उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और पेरेंट्स को किस तरह से चेक एंड बैलेंस भी रखना है कि अगर आप बच्चे की कुछ इस तरह की एक्टिविटी ऑब्जर्व करें तो फौरन से आपको चेंज ऑफ बिहेवियर आपको पता चलना चाहिए कि अगर उसके ग्रेड वो ए ग्रेड आते थे और ऑल ओवर सडन उसके सी ग्रेड हो गए तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उसे कोई बुली कर रहा है, या वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया, या उसके उठना बैठना किस कंपनी में है. उसका कोई ऐसा बिहेवियर, वो एक बहुत हैप्पी जॉली बच्चा था और ऑल ऑफ अ सडन सैड हो गया, डिप्रेशन हो गई, या उसके खाने पीने की आदतें बदल गई, वो एक बहुत एक्सरसाइज करने वाला बच्चा था, बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर वाला बच्चा था और एकदम उसकी एक्टिविटीज बदल गई, कोई भी बिहेवियर जो उसका बदल रहा है माँ बाप को देखना चाहिए कि क्यों बदल रहा है. अगर वो बहुत खुश रहता था और आजकल चुप रहना शुरू कर दिया है, और उसके बाद डिजिटलाइजेशन की वजह से जो है ये अगर वो वीडियो गेम्स और ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत इन्वॉल्व है और बाकी सारी सोशल सर्कल छोड़ दिया है, तो उस माँ बाप को फौरन से पहले देखना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं. मिसाल के तौर पे ड्रग्स जो आजकल बहुत कॉमन है, टोबैको वगैरह तो कैफीन ये सारी हो गई, लेकिन मैरिजुआना बाहर के मुल्कों में तो मेडिसिनल भी हो गई है, पेन की वजह से भी देते हैं, कुछ स्टेट्स में कॉमन है यूएसए में, लेकिन बच्चों में यहाँ पे जो है उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. बच्चों को समझते हैं कि ओ ये कौन सी जो है जी ये गेटवे ड्रग है, इससे कौन सी एडिक्शन होती है, इससे ज्यादा एडिक्शन नहीं होती इससे कोई, लेकिन यस इससे ये होता है कि अगर बहुत क्रॉनिक यूज करें तो आपका जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो कम हो जाता है, ब्रेन की डेवलपमेंट, मेमोरी, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं. और उसके बाद फिर आंखों में रेडनेस रहती है, आपकी एपिटाइट बदल जाती है. तो माँ बाप को एजुकेट करना चाहिए कि कौन सी ड्रग से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं. अगर बच्चा जो है लेजी हो गया, ऑल ऑफ अ सडन फटीग्ड हो गया, उसका किसी दिल में काम नहीं लग रहा, तो चेक करें कि ड्रग्स तो नहीं है. उसका छापा मार लें कमरे में जाके जब वहां नहीं है. बच्चों ने तो कहना यू डोंट ट्रस्ट मी, ये वाला तो कभी कभी माँ बाप को एज ए पेरेंट देखना पड़ता है. यस आई डोंट ट्रस्ट यू, उसे तो ना कहें लेकिन पीछे से नजर रखें कि क्या हो रहा है उसकी एक्टिविटीज में, लेट नाइट तो नहीं बच्चे बाहर रह रहे. फिर एक जो ड्रग जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग आजकल जो चली हुई है, जो बहुत ही खतरनाक ड्रग है, और बच्चे पहले तो ऑपिएट्स और हेरोइन और कोकेन, ये सारा ड्रग्स हमें पता होती थी कि इससे नशा हो जाएगा, नशा ही बन जाएंगे, रिहैब में डालना पड़ेगा. जो बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं फैटामिन्स, फैटामिन की जो नई टाइप निकली हुई है मैथ, वो एक हॉलीवुड की सीरी थी, क्या नाम था उसका, वो जिसमें फैटामिन प्रिपेयर करता रहता है, वो बच्चों को पता होगा. प्रोफेसर होता है कॉलेज का और वो प्रिपेयर करता रहता है. उस मूवी से या उसने ये नुकसान किया बच्चों का कि उनको मेटम्फेटामिन से जो है उनकी इंट्रोडक्शन हो गई. वो बच्चे आजकल वो आती है आइस के नाम से या क्रिस्टल के नाम से, और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कॉमन थी पहले. उससे आपको एक रश मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और आप बहुत हाइपर हो जाते हो, यूफोरिया, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग मिलती है. आपका जो फोकस होता है, जो आपकी परसेप्शंस होती हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, बड़े खुशी के मूड में. जो आपका डोपामीन लेवल होते हैं ना, जिससे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो डबल ट्रिपल हो जाता है. तो आप हवाओं में फिर रहे हैं, आप बड़े खुश हैं, दो तीन दिन आपके एनर्जी का लेवल ऐसा रहेगा जैसे आप सुपरमैन है. उसके बाद जब आपका वो इफेक्ट उतरना शुरू होगा तो आप टोटली फटीग्ड हो जाएंगे, और इसका ओवरडोज बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर बच्चे ड्रग्स को दूसरी ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह के साथ मिला के कहें तो ओवरडोज हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है. और अगर लॉन्ग टर्म के लिए एम्फेटामिन या मेटम्फेटामिन यूज किया जाए, जैसे मैं आइस कह रही हूँ, ये वाइट क्रिस्टल्स की शेप में आती है, बच्चे यूज करते हैं, स्नॉर्ट करते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं. इंजेक्शन लेंगे तो हेपेटाइटिस बी सी एच आई वी कुछ भी हो सकता है. नाक से लेंगे तो नाक से ब्लीडिंग और नाक का ये जो सेप्टम होता है वो फट सकता है. अगर स्वॉलो करेंगे तो और मसले हो जाएंगे सारे. आहिस्ता आहिस्ता जब ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं.
होता ये है कि फिर छोटी डोज आपको वो फीलिंग नहीं देती, फिर आपको हाई डोज चाहिए होती है और ज्यादा डोज चाहिए होती है, तो आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं और उस एडिक्शन की वजह से जो है बेतहाशा आपके अंदर बीमारियां आ जाती हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पल्पिटेशंस होती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और बेतहाशा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चों को पता भी नहीं। डर के मारे अगर ओवर टॉक्सिसिटी हो गई तो बजाय इसके कि वो बुलाएं एम्बुलेंस को, वो बुलाते नहीं कि क्यों पुलिस ना आ जाए। हालांकि आजकल जो है अगर कोई ओवर टॉक्सिसिटी हो गई है तो आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और वो बगैर कॉप को या बगैर पुलिस को इन्वॉल्व किए आपको सीधा पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो कम से कम मरने वाले को मरने से तो बचा लें। तो इसलिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता हो कि एक तो अगर उन्हें ड्रग लेनी नहीं, अगर ड्रग लेनी है नॉट दैट आई एम सेइंग के लेनी है, तो कम से कम अल्लाह के वास्ते उसको मल्टीपल ड्रग्स के साथ मिक्स मत कीजिए, और अगर मिक्स कर दिया तो ओवर टॉक्सिसिटी जिसे ओवरडोज कहते हैं उसके साइन सिम्टम्स पता कीजिए, ताकि अगर आपके सामने आपका दोस्त कहीं ओवर टॉक्सिसिटी हो रहा है तो कम से कम एम्बुलेंस को बुला सकें, एक मरते हुए की जान बचा सकें। व्हाट अ शेम कि 14 साल का बच्चा जिसने अभी जिंदगी पूरी जीनी है वो एक ड्रग की वजह से आपके सामने इस और तरह ये से बहुत ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, किसी जमाने में लोगों के वहमो गुमान में भी ये चीज नहीं होती थी, बात नहीं करते ना, एक बड़ी बात मतलब बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, रग के अंदर डाली जाते हैं और बात करना नहीं चाहते, और उसमें ये आ जाता है कि अच्छा ये ड्रग्स हो रही हैं और इतनी चीजें हो रही हैं, हाँ वो भी तो देखें, और इतनी चीजें हो रही हैं, रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, कैजुअल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, माँ बाप सोचते हैं कि नहीं हम तो परफेक्ट हैं, एक गैप रखा हुआ है, ये चीजें वन इन ये गैप जो रखा है ना ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, वो जो रोब और उसके चक्कर में ना आपका बच्चा स्पॉइल हो जाता है। 1 in 10 जो है वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं और एलीट, और उसमें तो खैर फिर बच्चे ये है कि अगर अकेले कर रहे हैं और अगर कहीं बाथरूम में कर लिया तो आप खुद सोचें ओवर टॉक्सिसिटी कर दी तो बचाने वाला भी कोई नहीं है। और फिर उसके बाद ये होता है कि मैं ये नहीं कह रही कि जाके ग्रुप में अब आप करना शुरू कर दें, क्योंकि स्टार्ट तो सारा ग्रुप में ही होता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होगा तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसा सदमे से किसी माँ बाप को दो चार ना होना पड़े। अब पहले ज़माने में आपको पता है जब पैसा होता था और किंग्स के बच्चे होते थे, इतना पैसा होता था कदीम ज़माने में, कितनी दौलत होती थी, तो बच्चे जो थे जब परवान चढ़ रहे होते थे बादशाह के बच्चे और शहजादे, तो वो क्या करते थे, उनके पास भी इतना पैसा होता था, वहाँ पे भी क्या चरस और भंग की कमी थी, वो क्या करते थे माँ बाप के अपने बच्चों को कदीम ज़माने में कहीं दूर मेडिटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, योगा के लिए किसी गुरु के पास भेज दिया करते थे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी पैसे के बावजूद अच्छे तरीके से ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना कंपल्शन की बजाय कॉन्शियस एफर्ट के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखें। वो योगा, वो आर्ट, वो मेडिटेशन वो बच्चों को इतने पैसे के बावजूद जंगलों में भेजते थे कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारने, ताकि वो ज़िंदगी को वैल्यू कर सकें, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर सकें। आजकल पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो है अगर बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं देने, सिर्फ अच्छे कॉलेजेस, हाई एंड स्कूल्स में और कॉलेजेस में भेज देना है जहाँ पर ऐसा माहौल है, तो पैसे को उन्होंने कहीं तो यूज़ करना है, और उनको लाइफ का जो है वो वैल्यू और पैसे की वैल्यू जो है वो इतना पैसा होता है शुरू से है ही नहीं, उन्होंने उड़ाना है कहीं, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ड्रग्स और ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में, ब्रिंग इट आउट, डिबेट करें, बात करें, ये सारी चीजें ऑनगोइंग है, इसको पर्दा नहीं डाल सकते, डालना। और इसके लिए कम्युनिकेशन, वही बात घूम फिर कर वही आती है कि बच्चों में और पेरेंट्स में, इवन आपके स्कूल्स में टीचर्स के साथ आप लोगों का कम्युनिकेशन लेवल वो नहीं है, क्योंकि हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है कि हर एक को अपनी इतना जिंदगियों को हमने कर लिया पैसे के पीछे कि हम लोग कम्युनिकेशन का टाइम ही नहीं है। कहते हैं ना माँ बाप को चाहिए, मुझे लोग कहते हैं जी कि क्या आप कहेंगे, रेज योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू रेज योर किड्स, आपका अपना ही वो लेवल नहीं है, आपने खुद अपने आप को कॉन्शियस लाइफ में नहीं गुजारा, वो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि लाइफ को एक्सपीरियंस करो एज इज कॉन्शियसली, ऐसे लाइफ को ऐसे सीखो। आर किड्स आर लिविंग, टीनेजर्स आर लिविंग लाइफ टू अर्ली। आपको पता है वो जब आप एक दरख्त होता है आम का, जो लोगों को पता होगा ज़रात का पता होगा, वो आम का दरख्त उगा रहे होते हैं, तो कभी किसान जब आम का पौधे पे जब आम जल्दी उगाते हैं तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड रह जाती है, तो वो प्लक कर लेते हैं ताकि आम का जो फल जो लगा है वो जल्दी ना निकले, और फिर वो प्लक करके साइड में रख देते हैं ताकि वो जो दरख्त है वो तनावर दरख्त बन सके और उसकी ग्रोथ स्टंटेड ना हो। हमारे बच्चे जो हैं दे आर लिविंग देयर लाइफ टू अर्ली। आप ड्रग्स जब पैसा बहुत मिल जाता है, एडवेंचर कर लिया, वेकेशन कर ली, गाड़ियाँ मिल गई, सारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, अयाशी कर ली,
गर्ल फ्रेंड्स बॉय फ्रेंड्स रिलेशनशिप पहले रख लिए तो फिर वो फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं. गैजेट्स मिल गए, आईफोन मिल गया, स्क्रीन टाइम मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई, तो फिर अब वो कहते हैं अब क्या करना है. फिर ड्रग्स मिल गई, ड्रग्स मिल जाते हैं तो फिर अब कहते हैं ड्रग्स भी मिल गए. हर वो चीज़ जो आपने 20-30 साल में सही टाइम पे जाके एक्सपीरियंस करनी थी वो आप 14-15-16-17 साल की लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो होता ये कि जब वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो देन देयर स्टिल बोर्ड, देयर स्टिल लुकिंग फॉर कि हम कहीं एस्केप करें, देयर स्टिल लुकिंग कि हमारा फरार हो, कि हमें कोई और एडवेंचर चाहिए. फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं. डिप्रेशन की तरफ जाते 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 फिर ये होता है कि इंटरवीन ना किया जाए सही टाइम पे तो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. हमारी टीनेजर्स के अंदर सुसाइडल रेट भी बहुत हाई हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन प्रेशर की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, वो एक सर्टन क्लास है. अच्छा डॉक्टर शवाना, आज के टॉपिक के हवाले से एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है, तो मैं चाहूंगी आपकी जानिब से कोई मैसेज. मैं माँ बाप को एक मैसेज ये दूंगी कि जो ये टीनेजर्स होते हैं ना, मैंने कहा ये बागी कौम है. जो अगर आप खुद कुरान पढ़ाना चाहो ना, आपने खुद पूरा कुरान पढ़ा और अपने बच्चों को साथ बैठा के कहो बेटा मैं तुम्हें कुरान पढ़ाऊँ, बच्चा कभी काबू में नहीं आता. लेकिन पैसे दे के बाहर से टीचर लेकर आओ तो बच्चा आपकी बात सुनता है, ये रियलिटी है. तो माँ बाप की कभी कभी बात नहीं सुनते बच्चे. हर बच्चे का जब आप एक्टिविटी मॉनिटर करते हो, यूथ मेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त, ऐसा टीचर, कोई ऐसा गाइड करने वाला, मेंटोरशिप बहुत ज़रूरत है. बच्चों को हमारे इस वक्त टीनेजर्स को एक मेंटोर चाहिए जो उनसे रिलेट कर सके, उनके लेवल पे जाके उनके मसले मसाइल समझ सके और उनको जज ना करे, और वो बगैर किसी डर के उसके साथ बैठ के अपने मसले मसाइल हल कर सके और वो गैप जो कम्युनिकेशन पैदा हो रहा है उनको अवेयरनेस ला सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी कॉन्शियसली गुजारें. लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शवाना, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातें करने के लिए. जनाब आज हमने ड्रग्स के हवाले से अवेयरनेस देने की कोशिश की है और अभी हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपकी हेल्थ के हवाले से भी हमें मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं. आप देखते रहिए जागो लाहौर.